इंडियन क्रिकेट में आईपीएल में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पड़ोसियों के घर भी काफी कुछ चल रहा है। उनकी भी तैयारियां चल रही है जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, और आज अलग अलग तरीके से तैयारियां देखने को मिली। ऑब्वियसली कल सब इमाम की शादी में जा रखे थे, इमाम उलक को शादी की मुबारकबाद, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आई बड़ी अच्छी थी भाई। जिस तरीके से ऑब्वियसली हर किसी ने बाबर पहुंचे वहां पे, और इसके साथ साथ मुझे तो वो एक तस्वीर बड़ी पसंद आई जिसमें अपने डक्की भाई मिले बाबर से, क्योंकि मैं डक्की भाई से मिला था कोलंबो में। लेकिन खैर उन सबको एक तरफ रखते हैं। ऑब्वियसली काफी कुछ हुआ है पिंडी में, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर जिस तरीके से हमने देखा ज़का अशरफ भी पहुंचे थे, वहाब रियाज वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा मोहम्मद हफीज के साथ रिजवान की जो कोचिंग चली है आज जी, बिल्कुल एक तो स्टंप पे खड़े होकर उन्होंने सारी चीजें देखी है, और उसके बाद जिस तरीके से डिस्कशन हो रहे थे जी, बाबर ने जिस तरीके से हमने देखा विकेट पर थोड़ा आधे में आकर प्रैक्टिस करी ताकि तेज गेंद और बाउंस, उसके साथ क्या बोलते हैं उसे स्लेट, जी स्लेट पे वो मतलब स्लेट होता है जिससे विकेट वो सिमुलेशन देने वाली चीज होती है कि आप वो जो एनीथिंग क्लोज टू ऑस्ट्रेलियन विकेट, जिसे आप कहते हो विकेट को कितना ठोस विकेट आप कर सकते हो, तो आप कॉन्क्रीट की विकेट में ही खेल लो, या लोग कई बार हमने गांगुली के टाइम पे देखा था प्लास्टिक की बॉल सिंथेटिक उनसे भी खेलते हुए नजर आया, वो भी आज तैयारी का एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है। पूरा का पूरा एक गेंद आपने देखी थी खुर्रम शहजाद बहुत इंप्रेस कर रहे हैं इन नेट, सबने भी जो देखा है सेम अयूब एंड खुर्रम शहजाद। कल जब पहले भी हमने रावलपिंडी का जो पहला आपका कैंप का डे वन था, उसमें भी उन पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है, मतलब मोहम्मद हफीज बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। मे बी सेम अयूब एक ऐसे रेवलेशन सामने आ सकते हैं कि जिनको पाकिस्तान फास्ट ट्रैक कर देगा कि यार ये बड़ा स्पेशल टैलेंट है। चार मैच में करीबन 500 रन उसने आप कह सकते हैं कि कायदे आजम ट्रॉफी में करके दिए, और आपका खुर्रम शहजाद जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है उसने, अगर मैं बात करूंगा ना भैया दो दिन में जो खिलाड़ी के विजुअल्स आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बॉल थी बाबर आजम को जो बंदा बीट कर रहा है लगातार, एक आदमी बॉल उसका कटके निकल रहा है, और वो चौथे स्तंभ वाला बॉल जो आप टेस्ट मैच का प्रॉपर गेम कहते हो, जिसे आप कहते हो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी ढूंढ सकते हो, वो भी एक बढ़िया बल्लेबाज के खिलाफ, तो वो चीज आपको उनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रही है। बड़ी वायरल एक तरीके से वो तस्वीर है, और उस प्रैक्टिस सेशन का अगर आप, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है ऐसे में, अगर वो तस्वीर एक तरीके से हाईलाइट बन जाए कि आप बाबर आजम को, निश्चित तौर पर बाबर ने भी अपने चैलेंज टफ करवा रखा था वहां पर, जिस तरीके से वो खेल विकेट थोड़ा सा अप एंड डाउन वहां पर प्ले कर रहा था, और आई थिंक आपने उसको चैलेंज को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए वहां पर कोशिश की होगी। खुर्रम शहजाद की बातें भैया इस बार डोमेस्टिक से ही चल रही थी, और कहीं ना कहीं दो दिन जो ये कैंप के हुए यार, इवन बीटिंग बाबर आजम, देखो जैसे तरीके का विकेट कैसे भी बना लो, विकेट कोई खुदरावा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसका आउटस्विंगर चलता है ना, जब वो लोड करता है वो डेल स्टीन वाली बाउंस, तो उसने दो बॉल कराई, एक कल जो शान मसूद को जो कप्तान साहब है, एंड बाबर आजम को जो आप पूरी तरह से खोल दिया, कट हिम इन एंड हाफ जैसे कहते हैं ना कि पूरा काट देना, तो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस उन्होंने करा है। का जो रेड बॉल का जो स्पेशलिस्ट है अब्दुल्ला शफीक, उन पे भरोसा जताया जा रहा है, लेकिन भैया तैयार है जोरों शोरों से इनकी। उसके अलावा अगर हम देखें, आपको लग रहा है कि जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पहला ही मैच जो है वो वाका, मतलब ऑब्वियसली अब तो शायद आप ऑप्टस में खेलोगे, पर्थ में खेलोगे, वहां का विकेट, और उसके साथ साथ जो प्रिपरेशन हैं इस समय पर, क्योंकि पाकिस्तान की प्रिपरेशन देखकर कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स में ये रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा, या आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया क्लास अपार्ट, जिसे आप सीधे तौर पर कहते हो कि वो एक डिफरेंट लेवल की टीम है इस वक्त पर। पाकिस्तान की खामियां जो है, ठीक है मे बी बाबर आजम के अच्छे रन आ जाए, हो सकता है रिजवान के रन आ जाए, इन्होंने स्कोर किए हुए हैं वहां पर भी, अगर आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की भी बात करो या पहले भी अगर आप इतिहास को खंगालोगे तो रन इनके थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरी टीम का एज ए यूनिट परफॉर्म करना, वो उसमें आपको कितना, भैया रेड बॉल का ज्यादा एक्सपोजर उनको वहां पर नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं बाबर का वो दौरा आता है जब उन्होंने आई थिंक 90 ऑड रन करे थे, वो पारी मुझे इनकी बड़ी एक ही वहां पर आई थी, और उसके अलावा जो मुझे याद आता है, मतलब इन्होंने देखिए जो आपका कोर ग्रुप है ना, बीट साउथ शकील यार सब कॉन्टिनेंट में कर दिया, बट यू विल बी फेसिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट बोलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग कंडीशंस पर, शॉर्ट बॉल और बैक फुट के खिलाड़ी जिसको आप सीधे तौर पर कहते हो, और आपकी बॉलिंग जो अटैक है वो लैक कर रही है, नसीम शाह ही कुड हैव बीन लीथल इन दीस कंडीशंस, वो इन्हीं कंडीशंस के लिए वो जन्मा है भाई, यहाँ पर तो आप यू वुड हैव सीन द अनलीज्ड वर्जन ऑफ नसीम, यहाँ पर वो अपने पीक पे आ सकता था बिल्कुल, जो उसका बॉल, जो उसके पास स्पीड है, जो उसको बाउंस मिलता, और अगर आप जो सी मूवमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि स्विंग यहाँ पर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कुकाबुरा का गेंद जब तैरता है और एक लंबे समय तक आप उसे देखते हो कि 20-30 ओवर तक भी अगर आप में काबिलियत है
तो आप उस गेंद के साथ हरकत हासिल कर सकते हो। वो नसीम शाह की खूबी थी, वो बॉलिंग में भी वो एक्सपीरियंस लैक ही कर रहे होंगे। शाहीन शाह ने भी आप कितने क्रिकेट ऐसे खेल ली कि आपने ओवरसीज दोनों पर खेल ली, शाहीन आपको लीड कर रहे होंगे और आपके पास ऑप्शन होगा, वसीम जूनियर का है, हसन है, आपके पास मीर हमजा है, मीर ने भी वो आप एक एक आपके पास लेफ्ट आर्म क्विक है, एक आपके पास खुर्रम शहजाद, तो आई सी हिम प्लेइंग इन द फर्स्ट मैच, पर्थ में आप अनलीश करो, पर्थ में इसको डेब्यू करवा दो भाई। आई एम एक्साइटेड टू सी सौद शकील, अब्दुल्ला शफीक बहुत ही टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है। आपको देखो बाबर के पास जैसा हमने कहा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत हल्का एक्सपीरियंस है, बाकी टीम के पास आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और वो चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए, जैसे आपको लगेगा कि जब आप शायद दौरा खत्म करने के बाद देखोगे तो आप शायद इन चीजों पर ज्यादा बात करोगे कि भाई लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो पिंडी में आप जो कर लो, जितनी भी आप विकेट सिमुलेशन कर लो, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसका कोई फायदा नहीं होता। सौरभ गांगुली का मुझे याद है वो इन्हीं सिंथेटिक गेंदों से प्रैक्टिस कर गए थे, उन्होंने ब्रिस्बेन में 100 मारा था 2003-04 की बात है। फिर हमने देखा है कि भाई आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे इस तरह की चीजों को लेकर तो आपको फायदा उसका जरूर मिलेगा, लेकिन अगर लैक ऑफ एक्सपीरियंस या स्किल सेट में अगर आप में बहुत ज्यादा अंतर है तो फिर वो आपको नतीजे में कहीं ना कहीं देखने को, और वो भैया ऐसा हो जाएगा आस्किंग फॉर टू मच। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने सक्सेस कुछ ज्यादा अचीव नहीं करी है रीसेंट टाइम्स में, तो वो चीज हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद ऑस्ट्रेलिया में, हम ये नहीं कह रहे कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं यहां से, लेकिन बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का कि सक्सेस रेप्लिकेट कर पाए वहां पर। अगर सीरीज ड्रॉ भी होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा होगा। इवन इफ दे गेट अ विन, डब्ल्यूटीसी साइकिल में इंडिया और पाकिस्तान ही हम देख रहे थे, ऊपर नीचे लगे हुए थे। टू बी ऑनेस्ट आई मैं मुझे इस चीज का रियलिस्टिक चांस बहुत कम लगता है। साउथ अफ्रीका रहेगी, ऑस्ट्रेलिया रहोगे, लेट सी कि वहां से फिर कौन कॉन्कर करना शुरू करता है और किस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत कुछ बदल गया है, कप्तान से लेकर खिलाड़ियों और कोच, मतलब एक नई टीम के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स पिंडी स्टेडियम में बड़े जोश और खरोश से ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए खिलाड़ियों में साइम अयूब बैट्समैन और खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर के बड़े चर्चे सुनने में आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्लिप्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। बाबर आजम जो कप्तानी के प्रेशर से आजाद हो चुके हैं, उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में काफी अच्छे रन बनाएंगे। इसके अलावा स्पिनर के लिए भी अलग कोच मुकर्रर किए गए ताकि स्पिन डिपार्टमेंट को भी मजबूत किया जा सके, मतलब कि एक नए जोश और जज्बे के साथ तैयारियां रूज पे हैं। अल्लाह करे जफर टीम वो कर दिखाए जो लास्ट 30 ईयर से नहीं कर पाई, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में एक आधा टेस्ट जीत जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज को बराबर कर गए तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।